मौनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे कि UPTPLSC लेटेस्ट अपडेट टुडे, तो UPTPLSC से आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है, चलिए उसको देखते हैं। UPTPLSC में एक और भर्ती, 9वें वर्ष ली सांस। अब कितने पद की भर्ती है भाई, देखिए एक पद की भर्ती और 9 वर्ष बाद उसको सांस आई है। UPTPLSC लेखपाल भर्ती PHOS धरना अपडेट। UPTPLSC BDO भर्ती क्या DB थर्ड लिस्ट भी आएगी या रिजल्ट जारी होगा? चूंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मनोनीत अध्यक्ष जी हैं UPTPLSC के, उन्होंने आज तक चैनल पर बोला था कि अगस्त में हम BDO का रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। तो देखने की बात है, आज 21 तारीख हो गई है, क्या रिजल्ट आता है या अभी और एक लिस्ट DB की आती है, ये भी ठीक है। तो चलिए, प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए अपडेट देखते हैं। सबसे पहले तो UPTPLSC में एक और भर्ती, 9वें वर्ष ली सांस, इस पर चर्चा करते हैं। और उससे पहले एक बिंदु पर जरूर कहेंगे कि UPTPLSC लेखपाल भर्ती में जो भर्ती परिणाम से आहत PHOS हैं, वो लगातार आज 21 दिन से 21वां दिन है धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल पर हैं और उन्होंने आज आह्वान किया है उन सभी दिव्यांग भाई बहनों से कि उनका साथ दें, वो लखनऊ जरूर पहुँचे और 4 दिन में अपना सख्त प्रदर्शन करने को वो तैयार हैं। अगर इसके बाद भी उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो वो अपने आप को जीवन और मृत्यु की ओर ले जाने का प्रयास भी करेंगे। अब जीवन जो है वह माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में है और यह बात निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि कल उनकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में हो चुकी है और उन्होंने अपना पत्र उन्हें सौंपा है और आशा करता हूं कि निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी UPTPLSC और राजस्व विभाग से इस बात पर चर्चा जरूर करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हों लेखपाल भर्ती PHOS के, वो प्लीज़ सपोर्ट PHOS। चलिए अपडेट देखते हैं। ये देखिए, कल देर शाम जो है उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग तृतीय तल पिकअप भवन विभूतखंड गोमती नगर लखनऊ की तरफ से एक आवश्यक सूचना जारी हुई है। देख भी रहेंगे 20 अगस्त 2024 आयोग के विज्ञापन संख्या 18/5/2016 के अंतर्गत विज्ञापित निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन इलेक्ट्रीशियन के एक पद अनारक्षित श्रेणी के सापेक्ष शॉर्टलिस्टिंग की कार्यवाही के उपरांत साक्षात्कार हेतु चिन्हित किए गए 10 अहर या औबंधिक रूप से अहर अभ्यर्थियों को का न्यूनतम प्रतिशत या कटाप प्रतिशत निम्नोत है। श्रेणी अनारक्षित है और साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी का जो प्रतिशत है वो है 83%। साक्षात्कार की कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु या अहर या औबंधिक रूप से अहर उक्त 10 अभ्यर्थियों का प्रश्नगत पद हेतु साक्षात्कार उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग तृतीय तल पिकअप भवन लखनऊ स्थित कार्यालय में निम्नवत आयोजित किया जाना निर्धारित है। दिनांक 2 सितंबर 2024। पाली फर्स्ट में अभ्यर्थियों की संख्या 10 है, जो कि प्रातः 10 बजे है पाली स्टार्ट होगी और पाली सेकंड जो है अपराह्न 1:30 बजे। अभ्यर्थियों की संख्या इसमें यह है कि प्रत्यावेदन के आधार पर जो अहर अभ्यर्थी होंगे, टोटल 10 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होना है। विज्ञापन संख्या 18/5/2016 के अंतर्गत प्रश्नगत पद के लिए साक्षात्कार हेतु चिन्हित किए गए अहर या औबंधिक रूप से अहर अभ्यर्थियों की ऑनलाइन सूची एवं साक्षात्कार
पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। संबंधित अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने से पूर्व उन्हें अपनी श्रेणी या सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 60 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु 20 रुपये के अनुसार ऑनलाइन साक्षात्कार शुल्क जमा करना होगा। दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को कोई साक्षात्कार शुल्क देय नहीं होगा। साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट uptplsc.gov.in पर उपलब्ध डाउनलोड इंटरव्यू लेटर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को क्लिक कर वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए निर्धारित साक्षात्कार शुल्क जमा करने के उपरांत अपना साक्षात्कार पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। साक्षात्कार हेतु चिन्हित किए गए अहर या औपबंधिक रूप से अहर अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि साक्षात्कार के पूर्व उनके समस्त शैक्षिक अभिलेखों से आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों एवं आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रेषित किए जाने वाले प्रमाण पत्रों या अभिलेखों का मूल प्रमाण पत्रों या अभिलेखों में मिलान व गहनता से परीक्षण किया जाएगा। अतः साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी प्रसंगत पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता या अधिमानी अर्हता के ठीक है सापेक्ष समस्त अंक पत्र प्रमाण पत्र अनुभव प्रमाण पत्र आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं आयु में शिथिलता समर्थन प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति तथा पासपोर्ट साइज के दो रंगीन फोटोग्राफ के साथ डाउनलोड किए गए साक्षात्कार पत्र के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो कुल मिला के कहने का मतलब साक्षात्कार के लिए ये उनको निर्देशित किया गया है और जिनका साक्षात्कार सूची में नाम नहीं है वो प्रत्यावेदन भी कर सकते हैं 27 अगस्त तक, और उसके बाद 2 तारीख को उन्हें जो बाद वाले हैं उन्हें 2 तारीख को अंतिम अवसर दिया जाएगा। तो अब सोचिए कि UPSSC 2016 की भर्ती एक पद को पूरा करने में 9वां वर्ष लग गया, तो ये दशा UPSSC आयोग की है। उत्तर प्रदेश में उत्तम आयोग उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग है, यहां भर्तियां कोमा में चली जाती हैं और फिर उसके बाद 9वें वर्ष 10वें वर्ष 6वें वर्ष ऐसे सांस लेती हैं। चलिए फिर हाल दूसरी अपडेट देखते हैं, UPSSC BDO भर्ती का क्या DB थर्ड लिस्ट आएगी। जैसा कि मैंने बताया भी कि मनोनीत अध्यक्ष जी जो हैं उन्होंने आज तक चैनल पर ही बोला भी था कि BDO का परिणाम जो है BDO भर्ती का परिणाम वह अगस्त में आ जाएगा, लेकिन 20 तारीख को संभवतः सेकंड लिस्ट जो जारी हुई थी 70-71 की उनकी DB थी मीन्स कल की डेट में। हालांकि अब इसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि टोटल कैलकुलेशन अभी चुकी नहीं हुआ था, संभवतः कैलकुलेशन के बाद एक थर्ड लिस्ट आने की भी संभावना व्यक्त की जा सकती। जिस प्रकार से लेखपाल भर्ती में आपने देखा भी था कि ऐसा अवसर मिला था, उसी प्रकार यहाँ भी एक अवसर मिल सकता है। तो हालांकि अभी कैलकुलेटिंग संभवतः आज की डेट से कैलकुलेशन हो उसके बाद ही कुछ कंफर्म हो सकेगा। हालांकि कोई अपडेट मिलेगी तो मैं ज़रूर दूंगा। और दूसरी बात ये एक बार पुनः आप सभी भाई बंधुओं से ये आग्रह है कि UPSSC जो कि लेखपाल भर्ती 2022 का परिणाम भी दे चुका है, 8085 पदों की भर्ती थी जिसमें सीधे PHOH के साथ अन्याय किया है। अन्याय इसलिए किया है कि क्षैतिज आरक्षण में उन्हें स्थान था, उसके बाद उन्होंने आवेदन किया, आवेदन लिया UPSSC ने, परीक्षा कराया मैंने शॉर्ट लिस्टिंग की उसमें भी वो थे, शॉर्ट लिस्टिंग में आए मुख्य परीक्षा की फीस शुल्क जो भी जमा करने के बाद मुख्य परीक्षा दिए उसमें भी, उसके बाद उनका रिजल्ट आया उसमें भी उपस्थित, उसके बाद उन सभी से DB करा ली जाती है और DB के बाद उन्हें जो है 188 पदों को रिक्त रखते हुए ये हवाला देती है कि आयोग देता है कि
आप लेखपाल बनने योग्य नहीं हो, तो इसका न्याय कौन करेगा? फिलहाल इसके लिए लगातार दिव्यांग भाई बहन जो है धरने पर बैठे, उसके बाद अब भूख हड़ताल उनकी जारी है और आज से उनका एक विशाल प्रदर्शन चालू होने वाला है। तो प्लीज़ आप इन दिव्यांग भाई बहनों का सपोर्ट करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।